जो नीट 2023 का पेपर है वो हाथ में आ चुका है और मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ फिजिक्स के पार्ट, क्योंकि मैं फिजिक्स ही पढ़ाता हूँ, ज़्यादा मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। देखो टोटल 50 क्वेश्चन एज यूजल जो आने थे, अब इसमें से अगर हम देखते हैं तो 1 से लेकर 35 तक कैपेसिटर से पहला क्वेश्चन, अब डिपेंड करता है आपका सेक्शन कौन सा था, यहाँ पे इंडक्टर का क्वेश्चन है जहाँ तक है मुझे कैलकुलेशन वाइज क्वेश्चन अभी तक कोई लग नहीं रहा, जैसे कि आप अपने मॉड्यूल्स में देखते हैं जनरली उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। सर्किट पे बेस्ड मैंने अभी नोटिस किया है कि सर्किट से रिलेटेड एक सर्किट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, 2, 3 और 1 आपका, अब मैं ये सर्किट बेस्ड ही बोलूँगा, रेडियो, ये आपका रे ऑप्टिक्स से बेस्ड है, और ये आ गया आपका SHM पे बेस्ड यानी कि 5, एक आ गया आपका इम्पिडेंस पे बेस्ड यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, और एक क्वेश्चन आपका इक्विलिब्रियम पे बेस्ड है जिसमें आपसे पोटेंशियल की वैल्यू पूछी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 चार्जेस के बीच में आपको पोटेंशियल का पॉइंट यानी पी पॉइंट पे, एक्सेल पॉइंट पे पोटेंशियल का फाइंड आउट करना है डायपोल मोमेंट की वजह से। सर्किट में अगर और हम काउंट करें तो मैग्नेटिक फील्ड से भी क्वेश्चन आ गया जो कि लॉन्ग वाइड यानी कि काइंड ऑफ आप बोल सकते हो सेमी सर्कुलर आर्क पे बेस्ड पॉइंट पे क्वेश्चन बनाया। ये इस मॉड्यूल का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है, अगर मैं दिखाऊं ये किसी भी आप मॉड्यूल में देखोगे तो इस फेवरेट पार्ट क्वेश्चन है कि लाइन के अलोंग और आर्क की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बाकी फिर अगर मैं बोलूँ लॉजिक गेट से तो एक क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज हम जो बोलते हैं वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और अभी तक बाकी तो फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जैसा कि बच्चे भी बता रहे थे कि 30% पेपर प्योरली थ्योरेटिकल है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि सर्किट में जो इसमें आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ मुझे अभी तक बस 7 से 8 क्वेश्चन में ही सर्किट दिखे, बाकी प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि थ्योरेटिकल इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ फॉर्मुला बेस्ड है, और ऐसा भी आप जानते हो कि नीट का पेपर हमेशा न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है यानी कि फॉर्मुला बेस्ड होता है, अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से करके आ रहे हो तो नो डाउट आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस पेपर को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फिजिक्स तो किसी की नैया डुबाने वाली नहीं है, अब डिपेंड करता है बायोलॉजी में स्कोर आपने बायोलॉजी में कैसा किया। हाँ केमिस्ट्री में थोड़ा सा हार्ड बता रहे हैं, वो भी आप देखो कई रिव्यूज मेरे को देखने को मिले, कोई इनऑर्गेनिक बोल रहा तो कोई ऑर्गेनिक, यानी ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड गया, बट फिजिक्स मॉडरेट है, किसी भी बच्चे से मैंने अभी तक जो पूछा मुझे नहीं लगा कि फिजिक्स इसने टफ बोला, बायोलॉजी भी एकदम ईजी है जैसा एज यूजल आती है, तो देखते हैं इस बार अगर कोई बोलता है कि नैया डुबाएगा तो हो सकता है केमिस्ट्री, बाकी फिजिक्स मेरी तरफ से ओके। थैंक यू।